तुम बुढ़े पंडित, तुमने ही ये सब बकवास भविष्यवाणी की है ना? तुम सब मुझे पकड़ लाए, सब के सब डर के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी सत्य है, मेरा बोला सत्य साबित होता है, और इस बार भी मैंने जो कहा वो सच साबित होगा। राम थैप नकाउंट पे अंधेरा छा जाएगा, सब बिखर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बंद कर! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मालिक के सामने बोलने की? राम थैप नकाउंट के लोग पछताएंगे, दुख के मारे चिल्लाएंगे। ध्यान से सुनो, नवसात्रा धारित किए हुए एक जवान आएगा, वो नाग वर्ष नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर पैदा हुआ है, उसे मुआई थाई की कलाएं भी भरपूर आती हैं। मैंने कहा चुप हो जा बुड्ढे। सारे नौ सत्रह के साथ लेके जब वो समय आएगा तब यक्षा क्लैन बर्बाद हो जाएगा और राम थैप के लोग एक दिन स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे वो वेपन दो। पुरानी कथा के अनुसार राम थैप एक पुराना राज्य था जिसे मुआई थाई ने बनाया था एक पवित्र वेपन से। बहुत सालों से लोग यहां शांति से रहते थे। फिर एक दिन
लॉर्ड देहायक्षा विक्रांत के राजा ने यहाँ अपने सैनिकों के साथ कब्जा करना शुरू कर दिया। नॉर्थ के राज्य को मंकी किंगडम से कब्जा करवाया। फिर राम थेप नकॉर्न पर पहुंचे, जहां बहुत बड़ी लड़ाई हुई। बहुत सारे राजाओं को तहखाने के सातवें तल पर बंद कर दिया गया, ताकि कोई भी भागने की सोच ना सके। बहुत सालों तक यहां के लोग दुख उठाते रहे। तब एक पंडित ने भविष्यवाणी की कि इस राक्षस का अंत समय नजदीक है। लॉर्ड देहायक्षा ने मुआइथ हाई स्कूल्स को नष्ट करने का आदेश दिया और जो बच्चे शुभ मुहूर्त में पैदा हुए उन्हें बंदी बना लिया गया। सैनिकों ने पवित्र वेपन को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जनरल पैन सही समय पर खजाने में घुस गए और उस पवित्र वेपन को बचा लिया। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी। बहुत सालों बाद सब्जी ले लो सब्जी। अच्छा ऐसा हो, ये तो मुझे नहीं पता। अरे चलो आ जाओ। अरे ये तो देखो, ताजी ताजी मच्छी। अरे तो देखो, देखो कितना। हेलो। अरे अरे ये क्या? उठ जा बच्चे, उठ जा, नहीं तो अपने हर्बल्स नहीं बेच पाएगा तू। जल्दी उठ जा, नहीं तो कैसे बेच पाएगा तू। ये हर्बल दवाई है, इससे बुखार और कब्ज सब दूर होता है और पेट भी साफ होता है। अच्छा? किसी को चाहिए क्या? उठ। मुझे तुम्हारे ट्रिक्स पता है। वो देखो बाबा जिन आ गए। भगवान सबकी रक्षा करे। अरे क्या बोल रहे थे, मुझे तुम्हारे ट्रिक्स पता है, तो कैसा लगा मेरा ट्रिक? पकड़ लूंगा तुझे।
भाई दादा आप मुझे खाना चाहते हो क्या? मुझे पता है मुआई थाई क्या है। अच्छा ही हुआ तुम जैसे लड़के के साथ यही होना चाहिए। देखो तुम्हें मेडिटेशन ट्रेनिंग के लिए देर हो रही है, जाओ तुम। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कल से लेट नहीं आऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। दादा मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। तुम हमेशा लेट ही आते हो ओट। आपके मेडिसिन को बॉईल करने के बाद मैं हमेशा उस बूढ़े आदमी के साथ प्रैक्टिस करने जाता हूं। पिताजी क्या अभी तक आपको कुछ मिला नहीं क्या? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेन ड्यूटी प्रैक्टिस करना है, याद रखना कल से लेट मत होना। अभी तुम जाओ, उस बूढ़े आदमी को ज्यादा वेट मत करवाओ। से वही सपना देखा क्या? मैं बहुत बुरा हूं जो तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। कोई बात नहीं पापा, मैं तो बस थक गया हूं, मुझे पता है कोई रीजन तो होगा ही। तो क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि इस तरह के बुरे सपने सिर्फ तुम्हें ही क्यों आते हैं? क्या आप जानते हैं? हमारा सारा समुदाय रामथेप नकौन को बिलोंग करता है और हमारा समुदाय यक्षा क्लैन से बचकर आया है। लकीली जिस बूढ़े आदमी ने हमें बचाया वो मुआई थाई का टीचर है, जिसने बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया है, जबकि उन्होंने कभी किसी को भी ना सिखाने का प्रण लिया था। उन्होंने तुम्हें सिखाया ताकि तुम मुआई थाई सीख सको। तुम सोच रहे होंगे कि अगर तुम्हें ये खुद की रक्षा करने के लिए ही सीखना है तो तुम्हें इसकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड तरीके से क्यों दी जा रही है। आज के दिन मैं तुम्हारे सामने सारी सच्चाई रख दूंगा। मेरे पीछे आओ। ये कहानी इसी से शुरू होती है। ये सब क्या है पिताजी? 9-17
एक पवित्र और पावरफुल वेपन और इसे मुआई थाई आर्ट के साथ भगवान का भेजा हुआ आदमी इस्तेमाल करेगा और फिर यही पवित्र वेपन हमारे रामथेप नकौन को यक्षा क्लैन से फ्री कर पाएगा। उस समय मेरा मिशन था सबसे बचकर पैलेस के बीचों बीच पहुंचना और उस वेपन को डिस्ट्रॉय होने से पहले हासिल करना। मैंने एक सीक्रेट रास्ता अपनाया था जो आयन गोंग गांव को जाता है और वहीं मुझे तुम्हारे पेरेंट्स मिले। यक्षा क्लैन से मेरी जान बचाने की कोशिश में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया मरने से पहले और तुम्हारे सपने में तुम्हें दिखाई देने वाले आदमी और औरत वही है। हम लोग सोन तवान क्लिफ पर करीब करीब मरने ही वाले थे। इन सारी घटनाओं का असर मेरी सारी वाइटल नर्व्स पर हुआ और इसका अंजाम ये हुआ कि मैं हाफ पैरालाइज हुआ। अपनी आर्मी से कॉन्टैक्ट करने के लिए मैंने अपने खास मैजिक ईगल का भी इस्तेमाल किया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं सोचता हूं कि वो तुम ही हो जो मेरा मिशन आगे लेकर जाओगे। कौन सा मिशन पिताजी? डंगौन में वेपन लेकर जाने का और उसे रॉयल चाइल्ड को देने का। वही वेपन रामथेप नकौन को फ्री कर सकता है। मैं तुम्हारे युवा कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूं। ट्रेनिंग के लिए अभी तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। तुम्हारा संवेदनशील मन शायद इसके प्रेशर को झेल ना पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस मिशन को कैरी आउट करने के लिए तुम पैदा ही ना हुए हो। मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूं बाबा। अरे बेटा, तुम्हारे इस सफर में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स और खतरे आएंगे। उसके लिए तुम्हें अपने शरीर और मन को मजबूत बनाना होगा। वो बूढ़ा आदमी तुम्हें मुआई थाई की सर्वश्रेष्ठ कलाएं सिखा रहा है। तुम्हें बस फोकस करना है। क्रोकोडाइल किक्स, डियर ने चेहरा बदला, बाबा का नीज, पानी के अंदर। एल्बो टूटा, घोड़ा दौड़ा, मंकी किंग ने रिंग की ऑफर की, नका लैंड पे पहुंचे और ऋषियों ने जड़ी बूटी पीस दी। पहले बचाओ, फिर फैलाओ, डिफेंड से लेकर अटैक तक और फिर जान लेने तक अपने मन को फोकस करना सीखो, तभी जल्दी सीखोगे। चालाक और समझदार बनो, समझे? तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे दिमाग का मंदिर है। अगर तुम्हें चोट लगेगी तो तुम्हारे शरीर को दर्द होगा, दिमाग को नहीं। अगर दिमाग को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। तुम सबसे ऊपर उठ जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। जब तुम्हारा शरीर और मन तैयार हो जाएगा, उसके बाद जब तुम खतरे में रहोगे, अगर तुम्हारा विश्वास फिर भी बना हुआ है, तब पवित्र वेपन तुम्हें खुद ब खुद पावर देगा। याद रखना ओट, विश्वास से ही चमत्कार होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग ही होता है। हा हा हा।
इतने सालों का वेट बेकार नहीं गया। तुम इतनी दूर रहते हो कि यक्षा क्लान तुम्हें ढूंढ नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस जगह का तुम्हें पता कैसे चला? आप समझा मैं? सोन टवान के इंसिडेंट के बाद देहा याक्षा और उसके आर्मी ने हमारा कैंप क्रश कर दिया। बहुत से लोग मारे गए थे और हम लोग कहीं और चले गए, इसलिए मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां गया तो मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया। भाईपान, हमारी आर्मी रेडी है इस मिशन को कंटिन्यू करने के लिए। हम लोग फिर से एक साथ आ सकते हैं। अब मेरे इस बूढ़े शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया है। अब इस जिम्मेदारी को तुम्हें ही निभाना होगा। और तुम्हारा सौतेला बेटा, मुझे कहने में खेद होता है कि भाई वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसे महत्वपूर्ण मिशन को हम ऐसे भोले आदमी पर नहीं छोड़ सकते। भाईपान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सब तुम हम पर छोड़ दो, हम सब देख लेंगे। मैंने उसके पेरेंट्स को जो प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को मैं जरूर पूरा करूंगा। भाईपान, अब से मैं ये तुम्हारा वेपन अपने पास रख लूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्योंकि मैं जल्द से जल्द ये मिशन शुरू करना चाहता हूं। जल्दबाजी मत करो। जब तक हमें बाकी का ग्रुप कांटेक्ट नहीं करता, तब तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें दूंगा। इस मिशन के लिए मुझे पूरी लाइफ ट्रेनिंग दी गई, अब मेरी लाइफ का क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकल, आप यहां क्या कर रहे हैं? Ah!
आज उसकी कमजोरी पर हमला करो। आखिर कब तुमने हमें धोखा दिया? बस इसी वजह से यक्षा क्लैन ने हम पर हमला किया और वो वजह तुम हो। ये मैं ही हूं भाईपान। टाइम अब चेंज हो गया है। यहां हर किसी को जीना है, हर आदमी जिंदा रहना चाहता है। प्लीज भाई, हमें वो वेपन दे दीजिए। उस वेपन को वापस लेना मेरी ड्यूटी है भाई। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। अगर हिम्मत है तो आओ और लेकर दिखाओ। देश के साथ गद्दारी करने वाले, तुम्हारी देशभक्ति की तो ऐसी की तैसी। इस वेपन को लो और भाग जाओ। उठ। नहीं पिताजी, जाएंगे तो हम सब साथ जाएंगे। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, जाओ। ये सब इस छोटे टुकड़े की वजह से हुआ।
निकम्मे! ब्लैक जैगर, मेरे लिए वो वेपन लेकर आओ और उस लड़के को खत्म कर दो। अंकल, क्या आपको पता है यहाँ से रैमथेपनाकॉन कैसे जा सकते हैं? क्या कहा? तुम चुप रहो, तुम्हें ये सब नहीं पूछना चाहिए। कोई वहाँ नहीं जाना चाहता, वो सुरक्षित नहीं है। वो शहर अब यक्षा के अंदर है। तुम बस अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। सुनिए, मुझे यहाँ से रैमथेपनाकॉन जाना है। ये सब नहीं पूछना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों? जाओ यहाँ से। मुझे रैमथेपनाकॉन जाना है। मुझे नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन आखिर क्यों? मुझे जाने दो। अरे बाप रे, ये फिर से आ गया। Monkey, careful! जरूरत नहीं है लड़की, तुम्हारी स्किन मुरझा गई है। मैं तुम्हें महंगे रेट पर बेचूंगा। शैतान बंदर, मैंने कहा इसे दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा दो मुझे, दो देते क्यों नहीं? दो, मैंने कहा दो। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे नहीं, तुम फिर से। अरे मंकी, अब ये कौन है? अब मैं क्या करूं? बारों से। हाँ।
मुझे क्यों मारा? तुमने मेरे दोस्त को क्यों पीटा? क्या तुम्हारा दोस्त है? लेकिन वो तो तुम्हें मारना चाहता था। कौन किसे मार रहा था? हम लोग तो सिर्फ खाने के लिए लड़ रहे थे। तो तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बना के मेरा वेपन चुरा लिया। चुरा लिया? क्या तुमने फिर से चोरी की मंकी? तुम्हारी वजह से ही हमें नकवान से भागना पड़ा था, उसके बावजूद तुमने चोरी की। तुम कब सुधरोगे? ऐसे कैसे मुझे ब्लेम कर सकते हो? तुम भी यक्षा क्लैन के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हो। इसीलिए तो बचने के लिए मैं तुम्हें इस बोट में लाया हूँ। मैं भागने की सोच रहा हूँ और तुम चोरी की। भागने की? और वो भी दुश्मन की बोट से? जिसमें ज्यादा खतरा होता है वही ज्यादा सेफ होता है। सेफ की बात कर रहे हो? ये मक्खी मेरी बॉडी पर इसका बेचक खाना मिलता है। रुको रुको, तुम्हें दिख नहीं रहा हम बात कर रहे हैं। वो हमारे साथ और भी लोग हैं। आज लक मेरे साथ है। यक्षा के गद्दार और प्रिंस वाता मेरे पास आओ। तो तुम एक प्रिंस हो और फिर भी चोरी करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बेवकूफ लोगों से ही चुराता हूँ। पकड़ो उन्हें। ये भूली हुई कला मोई थाई कहां से सीखी? और ये लोग तुम्हें यक्षा का गद्दार क्यों बुला रहे हैं? मैं बारबेक्यू पार्क जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। मेरा सामान वापस करो। चलो इसे खत्म करते हैं, उसके बाद तुम्हारा वेपन वापस कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। खत्म करो और मुझे डेट पे मिलो जल्दी। क्या तुम प्लीज चुप रहोगी? देखो वो यहाँ पर है। क्या करना है? कम से कम 20 लोग तो होंगे और हम लोग सिर्फ 3। तुम ये सबको संभालो और तुम वो सबको संभालो, तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। मुझे धूप से एलर्जी है ना। तुम्हें धूप से एलर्जी है? मंकी, एक बात बताओ, क्या तुमने फिर से चोरी की? जाओ उनकी मदद करो, जाओ। जाओ और उनको बचाओ। ये लो। लेडी थीफ, तुम हमें लूटने आई हो? इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा। तुमने कहां निशाना मारा?
उन्हें ऊपर खींचो। ब्लैक जैगर, तुम उसे जल्दी हमारे बोट पर जाओ, जाओ। आगे पहाड़ है। तुम ठीक तो हो ना? केयरफुल, वो अभी भी जिंदा है। मंकी, तुम्हारा बैग देखो। पायरेट तो तुम हो। कोई है यहाँ? कोई है? अरे कोई है यहाँ? मेरी बात सुन रहा है क्या? मुझे कप्तान से बात करनी है।
कोई तो बात सुनो मेरी। कोई फायदा नहीं, हम लेडी थीफ के कब्जे में हैं। हाँ तो तुम रिलैक्स करो। लेकिन वो क्या था, तुम्हें कहाँ से मिला? बताओ बताओ ना, क्या तुम मुझे भी सिखाओगे? हाथ पैर घुटना और कोहनी, लेफ्ट और राइट, ये सब जब साथ मिल जाते हैं तो बनता है 9-7, जिससे आकाश गरजता है और धरती कांपती है। अरे वाह बड़े भैया, तुम्हें इसके बारे में पता है? ये एक मैजिक वेपन है जो पिघले हुए लोहे से निकला है, और मॉय थाई के पावर से उसमें और पावर आ जाती है। एक पुरानी किताब के मुताबिक जिस इंसान के पास ये 9 गुण होंगे, जैसे स्किल, बहादुरी, बलिदान, ताकत, दया, प्रोटेक्शन, फोकस, कंसंट्रेशन और विश्वास, वही इसकी पावर को रिलीज कर सकता है और वही राम थेप नकौन को इस परेशानी से निकाल सकता है। इसका मतलब अगर वो वेपन हमारे पास होगा तो हम यक्षा क्लैन से बदला ले सकते हैं और जीत सकते हैं। हमारे पास वेपन है। नहीं मंकी, ये मैजिक वेपन हम साधारण लोगों के लिए नहीं है, पर तुम्हारे पास ये सारे 9 गुण हैं, इसलिए उस वेपन ने तुम्हें चुना है और वही तुम्हें हेल्प करेगा उस पंडित तक पहुंचाने में। तो तुम जाओ। मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन और इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता? वो यक्षा वाले तुम्हें गद्दार क्यों कह रहे थे? मैं भी यक्षा ही हूं, पर उनसे अलग। एक आर्मी जनरल जिसे अपने ही लोगों ने गद्दार ठहराया, उन्होंने मुझे निकाल दिया क्योंकि मुझे एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया था। पर अब मुझे राम थेप नकौन जाना है और उसे वहां से निकाला, और उन्हीं राहों में ये मुझे मिला, भटकता, बेघर, अकेला, बेसहारा, निराश। मुझे लगा ये अच्छा लड़का है, इसीलिए मैंने इसे अपने साथ ले लिया और उसके बाद इसे एक अच्छा नाम भी दिया। शुक्रिया मेरे आका। अब तुम्हारी बारी, हमें अपने बारे में बताओ, आखिर ये मैजिक वेपन तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी कहानी नौकेन आइलैंड से शुरू हुई थी। रामथेप नकौन का इंपॉर्टेंस मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन जिनसे भी मैंने प्यार किया उन सब ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है आजादी के लिए, इसीलिए मुझे यह मिशन कंप्लीट करना ही है। इसका मतलब हमारा एक ही गोल है, तो हम सब साथ जाएंगे। मैं प्रिंस वानर वाता 3 पाया कुल का वारिस। तुम्हें तुम इसे वाता या मंकी कह सकते हो, और मैं, मेरा नाम रेड असुर है। गाय लाल रंग जैसा मूडी, मेरी बात सुनो। मेरा नाम ओट है। इतना सिंपल नाम। हम लेडी थीफ से अपना वेपन वापस लेंगे और फिर हम सब साथ जाएंगे। मेरा नाम जायलन है। मैं अरेल सी के एयर पायरेट की बेटी हूँ। अगर किसी ने मुझे लेडी थीफ कहा तो मैं उसकी जीप काट दूंगी। हे सुनो, मेरा सामान कहाँ है? तुम्हारे सामान से तुम्हारा मतलब कहीं ये तो नहीं? हम जैसे लोगों ने ऐसी चीज कभी यूज नहीं की है। अगर यक्षा क्लैन ने हमारे यहाँ अपनी आर्मी नहीं भेजी होती तो मेरे पेरेंट्स जिंदा होते और मेरा भाई भी यहाँ होता। देखो वो रामथेप नकौन के लिए आखिरी उम्मीद है, मुझे वो सच में चाहिए, मुझे दे दो। अगर मैंने इसे वापस नहीं दिया तो कौन मुझे रोकेगा इस वेपन के बदले मेरे भाई की रिहाई करवाने से? एक बात समझ लो कि देहा यक्षा कभी नेगोशिएट नहीं करता। अगर तुम सच में ये करना चाहती तो हमें ये सब बताने नहीं आती है ना? तो अब सच बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? तुम सच में बाकी यक्षा से अलग हो। ये लो। तो तुम सब रामथेप नकौन जाना चाहते हो और मैं अपने भाई को वहां से निकालना चाहती हूँ, तो बेहतर यही होगा कि हम सब साथ जाएं। साथ जाएं? जब
करते कि वो रॉयल चाइल्ड कौन सा है, तब तक ये दर्द मिलता रहेगा जब तक कि तुम लोग मर नहीं जाते। अभी तक तुम उस रॉयल चाइल्ड को ढूंढ रहे हो? मेरे मालिक, आपको नीचे आने की जरूरत क्या थी? तुम एक साथ सबको क्यों नहीं मार देते? कहानी ही खत्म। मैं कुछ कहूँ मालिक? हम तो इन्हें अभी भी मार सकते हैं, लेकिन अगली 5 रात के बाद वो नाग वर्ष नक्षत्र का शुभ मुहूर्त आने वाला है मालिक, इसलिए इनका जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। इनकी बलि अग्नि देवता को देंगे और आपकी किस्मत बदल जाएगी मेरे मालिक, और इसकी शुरुआत रॉयल चाइल्ड के ब्लड से करेंगे। वो बेकार सा पंडित तो मर गया, तुम अब भी उसकी भविष्यवाणी से मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन वो वेपन तो अब बाहर आ चुका है मेरे मालिक। अगर वो मेरे सामने यहाँ आ भी जाए और चाहे 100 मोए थाईसी के रॉयल चाइल्ड आ जाए, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मेरे मालिक, आप नहीं, तुम्हें मेरी पावर पर शक है? मैं भगवान के बराबर हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं मेरे मालिक, मुझे चाहिए बस आपकी कृपा, आपकी कृपा की जरूरत है मुझे सदा जीवित रहने के लिए मेरे मालिक। मेरी बात याद रखो, जो मेरी नजरों से गिर जाता है उसे दूसरा मौका नहीं मिलता, और जो शक करता है उसे भी नहीं। तो तुच्छ इंसानों, मेरी बात सुनो, तुम्हारी सारी तकलीफों का अंत हो जाएगा अगर वो रॉयल चाइल्ड खुद मेरे पास आए और आत्मसमर्पण कर दे। तो अब बताओ, तुम सब जीना चाहते हो ना? तो उस आदमी के लिए क्यों अपनी जान दे रहे हो जो खुद अपनी कुर्बानी तुम लोगों के लिए नहीं दे रहा? अफसोस, रामथेप का रॉयल ब्लड बहुत बड़ा कायर निकला। मैं हूं रामथेप का रॉयल ब्लड। नहीं, वो मैं हूं। फुंगेर, नहीं, वो मैं हूं। मैं नहीं, वो मैं हूं। नहीं, वो मैं हूं। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, वो मैं हूं। यदि यहाँ कोई रॉयल चाइल्ड है तो वो मैं हूं। मैं हूं रॉयल चाइल्ड। नहीं, मैं हूं। नहीं, मैं हूं। 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 नहीं, मैं हूं। 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 नहीं, मैं हूं। मैं हूं। मैं हूं। मैं हूं। मैं हूं। मैं हूं। नहीं, मैं हूं। नहीं, मैं हूं। नहीं पता था कि समुंदर के पास रहने वाले इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। ये लहरें और इस हवा ने ही तो सिखाया है। वैसे तुम क्या बजा रही हो? इसे गाओ जैंग कहते हैं। मेरे पापा ने एक बेहतरीन कारीगर से इसे मेरे लिए बनवाया था। जब भी मुझे उनकी याद आती है मैं इसे बजा लेती हूँ।
बहुत ही ब्यूटीफुल है, मधुर है, लेकिन अकेला है। ब्लैक जैगर, ये वही है क्या? इसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना मत, इमरजेंसी है। वो अपनी सेना के साथ आया है। इस बार तुम मुझसे बच नहीं सकती। मंकी, मेरी हेल्प करो। राजकुमारी, हम इनसे लड़ नहीं सकते, ये बहुत सारे हैं, अब हम क्या करें? हमें सीक्रेट रास्ता लेना पड़ेगा अंकल। क्या कहा, सीक्रेट रास्ता? वो कहाँ है? सिंथेप क्लिफ। ए? क्या कहा? बिग बॉय, हमें वेपन यूज करना होगा।
तुमने मुझे राक्षस कहा, राक्षस कहा मुझे, हाँ? बहुत साल पहले ये जमीन मेरे पूर्वजों की थी और तुम्हारे क्लैन ने इसमें घुस के कब्जा कर लिया और इसे रामथेप नकौन नाम दे दिया। मेरा खुद का शहर जलाकर बर्बाद कर दिया गया, मुझसे जानवरों जैसा बिहेव किया था और ये सब तुम इंसानों ने किया था। ये निशान, ये घाव मुझे तुम इंसानों ने ही दिए हैं, तुम्हारे जैसे इंसानों ने। राक्षस, मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए। नहीं, गोंग विलेज, नॉकेन आइलैंड, जिससे भी मैंने प्यार किया सब खत्म हो गए तुम्हारी वजह से। माफ करो और भूल जाओ। हमेशा से एक दुश्मन के हाथों ही मरना चाहता था, तुम्हारे जैसे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे मार डालो। तुम मर भी गए तो क्या, वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है, हम दोनों एक जैसे ही तो हैं। हम दोनों भी बदला लेना चाहते हैं उस वॉर के लिए जो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। मैं रामथेप नकौन जाऊंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा एक नई शुरुआत के लिए। अब आने वाली 3 रातों में
जिस इंसान ने शुभ मुहूर्त पर जन्म लिया होगा वो अपनी जान दे देगा, अपना बलिदान देगा। तुम अब जाओ बच्चे। तुम्हारी रॉयल चाइल्ड और मेरे भाई के पास ज्यादा टाइम नहीं है। हम लोग फ्लाइंग बोट के ठीक होने तक का वेट नहीं कर सकते। छोटे छोटे ग्रुप में चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहां बॉर्डर पर हवाई दल और जमीनी पेट्रोलर्स हो सकते हैं, तो उनके रहते हुए हम रामथैप नकोन तक कैसे पहुंचेंगे? मेरे पास एक प्लान है, हम अंडरग्राउंड से जाएंगे। सच में? मेरे पापा ने मुझे एक सीक्रेट रास्ता बताया था जो रामथैप मकान के अंदर तक जाता है। वो सीक्रेट रास्ता कहां पर है? आयन गॉन्ग विलेज के पास, जहां मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा के मुताबिक एंट्रेंस यहीं से होना चाहिए। Mm-hmm.
मुझे लगता है ये रिचुअल गीजा के गुफा में होगा, जो कि डंगोन की गहराइयों में है। लेकिन अगर हम वहां पर गए तो पकड़े जा सकते हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे वहां जाना ही होगा। तुम नीचे जा रहे हो क्या? मुझे भी गीजा के पास ही जाना है। मैंने तुम जैसी सुंदर और नाजुक गुलाम को पहले क्यों नहीं देखा? अगर तुम्हें यहां से बाहर जाना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। मोटी बुद्धि, तुम्हें मैं चाहिए या नहीं? थोड़ा वेट करो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूं, फिर आज रात तुम मुझे चाइनीज सिखाना। देखो सब लोग कैसे बेबस हैं। तुम लोगों को वो पागल देहाय कंसा दिखा? रुक जाओ। दोस्त, तुम्हारा टाटू कहीं देखा हुआ लगता है। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं। तुम बेवकूफ लोगों, मेरी बलि प्रथा को बिगाड़ दिया। सबको मार दो। लड़ने का समय आ गया है। ओट, तुम्हें उस रॉयल चाइल्ड को बचाना है। बाता और मैं इन लोगों को यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है? कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे पूछना चाहिए था। मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। कहाँ हो तुम? बूढ़ी जादूगरनी,
बता दे हाइकन साहब कहाँ है। तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। तुम कौन हो? मेरा नाम ओट है। जनरल पान ने मुझे ये काम सौंपा है। वो रॉयल गार्ड के मुखिया थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मैजिक वेपन आपको दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वो वेपन अभी आपके पास मौजूद है? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? फुंगेर, फुंगेर। ये है 917 रैमथेप नकोन का मैजिक वेपन आपके लिए। क्या तुम मरना चाहते हो? 917 यही रामथेप के लोगों की आखिरी उम्मीद है और मेरी आखिरी परेशानी। धन्यवाद मुझे देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्रैप है। राक्षस देहाय कंसा, पता नहीं। कैसे हो प्रिंस वाता? बहुत साल हो गए ना जब मेरी फौज ने तुम्हारे लोगों को खत्म किया था। पता नहीं था कि तुम अभी भी जिंदा हो। इसे जल्दी मार दो बिग बॉय। बहुत साल हो गए मरा था। तो बताओ तुम्हें कैसी लगी मेरी वेलकम पार्टी? मेरे भाई, मेरे मालिक, आपने हुक्म दिया था उस रॉयल चाइल्ड को मारने का और साथ में उन गुलामों को भी। यक्षा राक्षस, मैं तुझे कर्ज देती हूँ, आज की बात तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों बनना चाहती है क्या? अब तो उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इंसान हमेशा हमारे गुलाम रहेंगे और ये सच कभी भी बदल नहीं सकता। गद्दार, तूने हमेशा झूठ बोला मुझसे। नहीं हुए ना? कितने सालों तक तुम बाहर भटक रहे थे और फिर भी कुछ नहीं सीखा, और तुमने मेरे खिलाफ जाने की सोची? ये नहीं सोचा कि इससे मुझे कितनी तकलीफ होगी? वक्त बदल गया है, पर तुम अब तक ना समझो। तुम्हें हमारे यहां की दयालुता नहीं दिखी। तुम इन बेकार लोगों के साथ जुड़ गए। जो भी हो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे चुका हूं। उसे अंदर लाओ। हाँ?
मरता बूंदा। इसकी ऐसी हालत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि इसने हमसे हमारा भाई छीन लिया। इसने तुम्हें हमसे अलग किया, हमारे वफादार से, हमारे अपने खून से। तुम इसे यहां बचाने आए हो ना? अब तुम्हारा फैसला, या तो इसे बचाओ या फिर अपने दोस्तों को। फैसला कराओ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारी इन आंखों में अब यक्षा के लिए वफादारी नहीं रही। अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोच सकते तो देख लो अपनी कमजोरी का अंजाम। हम एक साथ आजाद होंगे, तुम्हें जीना होगा। बूंगा तो मर गई है, तुम्हारी कमजोरी मर गई मराता। अब तो मेरे पास आ जाओ, अपने खून के पास। आज और अभी से हम दोनों भाई नहीं रहे पर दुश्मन है। देखते क्या हो, उसे पकड़ दो। रुक जाओ, ये हम भाइयों के बीच है, पीछे हट जाओ। फैसला कर ही लिया अपने भाई के खिलाफ जाने का, तो ठीक है, तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बेटे ओट, फेथ से ही मिराकल्स बनते हैं।
तुम? उसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया। एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ बचाओ। अरे नहीं, क्या कहा था बुड्ढे ने? एक जवान पैदा होगा शुभ मुहूर्त में, जो मुआई थाई इस्तेमाल कर सकेगा, और वो नौ सप्ताह के साथ पैदा होगा। पर तुम तो वही निकले। तुझे तो मैं जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। संभल कर ओट, वो फायर बैटन यूज कर रहा है। अपना बचाओ, स्वयं करो। Yeah!
मरेगा। वापस चले जाओ। इंसानों, तड़पा तड़पा के मारूंगा सबको। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सातरा नंबर 9।
जीत गए। एक बार फिर रामथेप नकौन के लोग शांति से रहने लगे। देहायक्षा के सारे पावर्स खत्म हो गए और उसे तहखाने में भेज दिया गया। रेड असुर ने यक्षा क्लैन को कब्जे में ले लिया और रामथेप नकौन को आजादी दे दी। उन्होंने यक्षा सोल्जर्स को ऑर्डर्स दिए कि वो फिर से उनका शहर बना के दे। जियोलान को उसका भाई फोंगर मिल गया। वो दोनों फिर से गायब हो गए और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। न जाने वो कहां और क्यों गए होंगे। जैसे ही रामथेप नकौन ठीक हुआ, रेड असुर ने अपनी आर्मी को ऑर्डर्स दिए कि मणिकोट को भी ठीक किया जाए, जो प्रिंस वाता का शहर था। अब शहर में शांति है। ओट एक रॉयल चाइल्ड का मुआय थाई टीचर बन गया और कुछ टाइम के लिए रॉयल गार्ड का हेड भी रहा। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा। और उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नॉक एन आइलैंड चला गया, क्योंकि वो शांति से जीना चाहता था। तुम्हारे जैसा समुंदर में रहने वाला इतना अच्छा म्यूजिक बजा सकता है? हुँ?